पूरी तरह से चल, पूरी तरह से जीवन आउट हमेशा के लिए चल शैतान, इसके जीवन को छोड़। जो तूने बीमारी, जो तूने प्रॉब्लम इसे दी है, जो उसकी बॉडी में, इसके शरीर में जो तूने बीमारी दी है, इसे जकड़ा है, चल शैतान तेरी हर एक जकड़ को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से, आउट। चल पूरी तरह से निकल इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, चल पूरी तरह से, चलो खोड़ 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 शट, चल पूरी तरह से इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, चल लास्ट तेरा लास्ट दिन, चल छट दे, शट 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 आउट। शैतान तू यीशु के पांव के नीचे, चल पूरी तरह से तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं इसकी बॉडी से, डिस्कनेक्ट करता हूं इसकी बॉडी से, चल आज दोबारा कभी भी इसके जीवन में प्रवेश नहीं करना, चल आउट, शट, शट, फ्री, आउट। उठाओ उठाओ, इन्हें धन्यवाद करो, उनको बोलो चलो चेक करो अपने आप को, ये बिल्कुल फ्री। उठो उठो और बैठो, क्या हुआ था, कितने दिन से आप बीमार थे, क्या हुआ था, पता से नहीं लगता दिमाग तो, क्या नहीं लगता था, दिमाग तो नहीं पता लगता, आपके मम्मा है ना, हाँ जी, दिमाग से पता नहीं, शैतान ने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, हाँ जी, जो पहचानते नहीं जो कहने, अच्छा ये पहचानते भी नहीं, नहीं जी, आप पहचानते हो, ये कौन है, हाँ बेटी मेरी, मैं कौन हूँ, पापा जी, तारीफ करो। देखो परमेश्वर हमारे बीच है, बोलो क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी हालात है, बस अपने विश्वास से अपनी लड़ाई को लड़ना है, बोलो क्या है, दाऊद ने 60 लड़ाइयां लड़ी ना, बोलो क्या है, वो एक भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो जब भी लड़ाई पे जाता था तो वो घुटने टेकता और परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर मुझे बताओ मैंने क्या करना है, किस तरफ से जाऊं, और परमेश्वर से बताता अब तू आगे चल अपनी सेना को, अब दक्षिण की ओर से चल, अभी पश्चिम की ओर, अब इस तरफ से, अब ये, जब आप भी इस रीति से घुटने टेकोगे और दाऊद की जैसे परमेश्वर से प्रार्थना करोगे और मांगोगे परमेश्वर बताओ, फिर देख, बोलो क्या, फिर देखना कैसे रास्ते को, क्योंकि करते हम कुछ नहीं ना, बोलो क्या है, जैसे हम संसार के काम करते हैं ऐसे ही परमेश्वर के भी काम, ठीक है, अफ्री और पूरी तरह से हफ्ता हो गया था ना, हाँ जी, कितनी की प्रॉब्लम थी एक हफ्ते से, बहुत ज्यादा, क्या होता क्या था शरीर में, पता नहीं लगता, दिमाग तो कोई पहचान नहीं, सारा दिन आप बेड पर ही पड़े रहते थे, हाँ जी, कुछ खाते पीते भी थे, कल दा कुछ नहीं खाता, नहीं कितने दिन, हफ्ता हो गया, तो कल का के हफ्ते से ही, कभी खा लेने कभी नहीं, अच्छा कभी खा लेते थे कभी नहीं, नहीं खाते, अभी आप कैसा फील कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा ठीक है, नहीं थोड़ा के पूरा हो, थोड़ा थोड़ा, नहीं थोड़ा तो नहीं है पूरा हो, आप थोड़ा विश्वास कर रहे हो तो फिर थोड़ा रहेगा, परमेश्वर आपको पूरी तरह फ्री कर दिया, आप नहीं है तो विश्वास करो और धन्यवाद करो, पूरा विश्वास है आपको, पूरा विश्वास है ना, हाँ जी, आप पूरी तरह फ्री हो, आंखें बंद करो, चल पूरी तरह से इसकी सोच से, पूरी तरह से नेगेटिविटी का प्रवाह जो इसकी सोच में है खत्म हो, यीशु तेरे सामर्थी नाम से मैं सिर से लेके पाऊं ताकि इसे फ्री कर पाऊं, इसके दिमाग में जो बात है वो चली जाए, जैसे तूने लुथिया का परमेश्वर मन खोला इसका खुल जाए, इसके अंदर 12 साल की स्त्री के जैसे विश्वास आ जाए, यस पिता, जैसे 12 साल की लहू बहने की बीमारी की वाली स्त्री के अंदर विश्वास है, वही विश्वास इसके अंदर आए, यस फ्री, धन्यवाद करो, चेक करो अपनी बाजू को, उठाओ चलकर दौड़, देखो चलकर दौड़ के देखो इसको, इसके आगे दौड़ कर देखो, भाग कर देखो, स्पीड से दौड़ो, परमेश्वर आपको फ्री कर चुके पूरी तरह से।
हालेलुया। भागो भागो, जोर से भागो जोगो। अगर संदेह करोगे तो फिर नहीं, परमेश्वर आपको पूरी तरह से खुशी से दौड़ कर खुशी से। परमेश्वर देखो, जो बंदा एक हफ्ते से बेड पे है, कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, समझ आ रही है, आप पूरी तरह से फ्री हो, ठीक है। ऐसे संदेह नहीं करना, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना और लगातार उसकी हजूरी में बने रहना। हालात पता क्यों नहीं क्यों आते हैं, क्योंकि हम बने नहीं रहते परमेश्वर की इच्छा में। फिर हम सही हो जाता तो अपनी बुद्धि संसार के कामों में व्यस्त हो जाते, अब ये काम नहीं करना, ठीक है ना। अभी मान लो और शैतान आपके माइंड को जैसे बोल रहे होगे, एक हफ्ते से आप किसी भी अपनी फैमिली मेंबर को पहचान नहीं रहे, ये कौन है, तो कितना बड़ा हालात था, ये छोटा था, एक हफ्ते से आप किसी ये पहचान नहीं रहे थे ना, अच्छा पहचानते नहीं ये कौन है, नहीं पहचानते नहीं, अच्छा ये नहीं पता ही नहीं है ये कौन है कौन है, नहीं आ देखो है ना। तो इसलिए अपने परमेश्वर के प्रेम में बने, कह रहे ना परमेश्वर के प्रेम में बने, प्रेम में बने रहना है, ठीक है। अब लगातार उसकी हजूरी में बनना है, उसके आगे प्रार्थना करनी है, ठीक है। आज आप पूरी तरह फ्री हो, कितना बड़ा हालात था परमेश्वर ने खत्म कर दिया ना। तारीफ करो, तारीफ करो सब। अगर आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।